नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आम आदमी पार्टी इस वक्त एक बहुत बड़े खतरे में जो है यहाँ पर वो घिरी हुई है। चारों ओर से ईडी सीबीआई का शिकंजा यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर कसता चला जा रहा है। आपको बता दें, जहाँ इस वक्त आम आदमी पार्टी पर जो एक तरीके से खतरा उत्पन्न हो चुका है, वो उनके अस्तित्व पर खड़ा हो चुका है। यहाँ पर अब केजरीवाल यहाँ पर जो है अपने आप को और अपनी पार्टी को संभालने की लड़ाई यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर लगाया गया है, अब वो चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह, और अब अगला नंबर केजरीवाल का भी इसमें लगता दिखाई दे रहा है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरी आम आदमी पार्टी को ही इस केस में जो है पार्टी बनाया जाएगा। इसके तहत यहाँ पर खतरे के बादल जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर मंडराए जा रहे हैं, छटने का नाम नहीं ले रहे। इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर और आती है, जब दिवाली पर आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगता है, जब गुजरात में उनके एक बड़े नेता निखिल यहां पर जो है उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आपको बता दें, इसी बीच जहां मनीष सिसोदिया को जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी थी अपनी पत्नी से मिलने की, उसको लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट सामने आता है। आपको बता दें, जिस तरीके से 5 दिन की मोहलत यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट से मांगी थी कि वो अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो है एक भारी डिसऑर्डर की जो शिकार है, यानी कि बहुत समय से उस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं और उनसे वो मिलना चाहते हैं। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की यहाँ पर उन्हें मोहलत ना देते हुए सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक की मोहलत उन्हें दी थी, यानी कि 6 घंटे की मोहलत दी थी। और इस बीच जब वो अपने आवास पर पहुंचे अपनी पत्नी से मिलने, तो जब वो अपनी पत्नी से मिले, उस तस्वीर को शेयर करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया। आपको बता दें कि उस तस्वीर में वो काफी ज्यादा भावुक दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही, यानी कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी गले मिलकर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा है आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, ये तस्वीर बड़ी पीड़ादायी है। ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी हो, क्या उसके साथ ऐसा अन्याय सही है? आपको बता दें, इस तरीके से इस तस्वीर में जो आप भी अब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज्यादा भावुक दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को लगभग 1 साल होने वाला है जेल में बंद हुए, तिहाड़ में बंद हुए। लगातार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर ये पूरा का पूरा मामला जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन पर यहाँ पर जो है घास गिरी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जो है अपनी बेल याचिका को लेकर अर्जी डाली थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। टिप्पणी ये की थी कि पैसे का लेन देन हुआ है, ये साबित हो चुका है। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व है, ये अभी साबित नहीं हुआ। और इसको साबित करने के लिए ईडी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 महीने का समय दिया था। बहरहाल, जिस तरीके से इस वक्त आम आदमी पार्टी पूरे खतरे में गिर चुकी है, ऐसे में कई ओपोजिशन लीडर्स और कई ओपोजिशन पार्टीज का ऐसा कहना है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त चुनावों से ज्यादा अपनी पार्टी को संभालने में अगर ध्यान लगाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जहां एक तरफ से ईडी का संबन आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहां पर चुनावी रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ओपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। इसके भी पीछे अलग मायने निकाले जा रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज भी ये चाहती हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पहले से हटा दिया जाए ताकि वोट बैंक ना बटे। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस वक्त आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को संभालने पर ज्यादा ध्यान देना होगा बजाय चुनाव के। बहरहाल, आप इस पूरे मुद्दे पर अब क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 10 न्यूज। धन्यवाद।